हाय एवरीवन। तो डेट मुझे भूल गई हूँ कौन सी डेट है। तो लेकिन ये मॉर्निंग का टाइम है और कल का दिन है। ये आज मेरा व्लॉग जाएगा लेकिन कल दिन ये कल का है। तो यहाँ पर मम्मी और मैं सब यहाँ पे धूप सेक रहे थे। मॉर्निंग मतलब शायद से 10 या 11 बज रहे होंगे, तो धूप में हम लोग बैठे हुए थे। तो ये जो सूट वाले भैया होते हैं जो कश्मीरी सूट वगैरह लाते हैं, तो मैंने इनसे आज तक कभी भी सूट नहीं लिया है। तो मेरी छोटी सिस्टर ने ऐसे ही ने अंदर बुला दिया था कि भैया सूट दिखा दो, तो वही सूट देख रहे थे। तो कलर बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे सूट के, और हम लोग वही देख रहे थे सूट वगैरह। तो सिस्टरों का सिस्टर ने था बट मम्मी ने फिर ले लिया था, तो वो तो मना कर रही थी नहीं मुझे सूट नहीं लेना है क्योंकि उसके पहले से ही 2-3 सूट पड़े हुए हैं जो सिलवाने हैं उसको। तो मम्मी ने कहा चल पूजा तू ले ले। तो मम्मी ने मुझे एक सूट दिला दिया था और एक मम्मी ने अपने लिए ले लिया था, तो 2 सूट लिए। तो मम्मी जो जो मम्मी को अच्छा लगेगा मम्मी वो ले लेगी, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ले लूँगी। अभी फ़िलहाल मम्मी ने बोला है कि ले लेते हैं, तो 2 ले लिए थे। एक चॉकलेटी कलर का लिया है और एक ब्लैक कलर का सूट लिया है। और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है अच्छी है, वैसे मुझे अच्छा लगा। कपड़ा भी इसमें 5 मीटर लिखा हुआ था तो मुझे लगा शायद नहीं होगा, बट इसमें 5 मीटर कपड़ा ही था और कपड़ा भी काफ़ी गर्म है। तो बस यहीं पे 2 सूट हम लोगों ने ले लिए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज पता नहीं डेट क्या है और मैं सॉक्स पहन रही हूँ, 1 मिनट, क्योंकि ना ठंडा लग रहा है अंदर और मैं धूप में ही जा रही हूँ। और आज पता नहीं कौन सी डेट है, मुझे डेट का पता नहीं है, लेकिन आज थर्सडे है। तो अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजने वाले हैं इस टाइम पे, 2 बजे से, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम है और फिर आज धूप भी बहुत अच्छी निकल गई है। तो हम लोग थोड़ा सा काम कुम करा है, और लेकिन अभी मम्मी खाना बना रही है आज। तो आज के वैसे मम्मी मोस्टली मम्मी बनाती है खाना, हम लोग जो छोटा मोटर सा काम होता है छोटा मोटा वो हम लोग कर लेते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि एक सूट जो बेचते नहीं है बैग में वो वाला, तो उनके यहाँ से सूट देखा है, अच्छा लगा है सूट। तो 2 सूट लिए हैं, एक ये वाला लिया है और एक ये ब्लैक वाला लिया है। तो ये मम्मी ने दिलाया है, तो इसमें से एक मैं ले लूँगी, एक मम्मी ले लेगी। तो मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो जो भी मम्मी को अच्छा लगेगा मम्मी ले लेगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ले लूँगी। 2 हैं और कपड़ा बहुत गर्म लग रहा है इनका। तो मैं ये जो सूट है ना अभी यहीं पे छोड़ के चले जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो कपड़े भी स्टिच करती हैं। अब तो नहीं करती हैं, पहले करती थी, तो अब मम्मी के बस का है भी नहीं और मम्मी ने काफ़ी सालों से छोड़ दिया है। बस ये कि मम्मी मेरे सूट सिल देगी ये वाला, तो मैं यहाँ पे छोड़ के चले जाऊँगी अपना सूट, तो मम्मी सिल देगी, कभी भी सिलेगी, खैर मतलब सर्दियों सर्दियों में सिल देंगी। और कपड़ा इसका बहुत गर्म है, 5 मीटर कपड़ा दिया है इसमें। उस टाइम मैंने चेक नहीं करा, मुझे लगा पता नहीं कि ठगना दिया कि कितना मीटर, लेकिन अभी हमने खोल के देखा सूट पूरा, तो 5 मीटर कपड़ा है इसमें, अच्छा लग रहा है। कलर भी अच्छा है, एक कॉफ़ी कलर है और एक ब्लैक कलर है। तो जो मम्मी को अच्छा लगेगा मम्मी ले लेगी और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगी। तो मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया है और अब जा रही हूँ मैं बाहर, और मेरा अभी व्लॉग भी चले गया है। तो जिन लोगों ने मेरा व्लॉग नहीं देखा है, और ना जब मैं ऐसे करती हूँ ना मेरा फेस बहुत बड़ा आता है ना, लेकिन सच में मेरा फेस इतना बड़ा नहीं है, वो फ़ोन थोड़ा पास से हो जाता है उससे काफ़ी बड़ा लगता है। अभी आप देखोगे मेरा फेस इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं फ़ोन ऐसे उठाती हूँ या ट्राइपॉड उठाती हूँ तो फेस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इतना बड़ा मेरा फेस है नहीं। और मेरा व्लॉग चले गया है, बहुत लोगों ने कॉमेंट करा है, जो कल मुझसे लाइव से जुड़े थे उनके तो कॉमेंट मुझे आ ही गए हैं। तो थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करा और मेरा व्लॉग भी देख लिया है। और बस तो बाहर चलती हूँ धूप में, क्योंकि तो अंदर बहुत ठंडा लग रहा है। वैसे मैंने इनर पहना हुआ है, इनर यहाँ से दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठंडा हो रहा है तो इनर पहनना बनता है। वैसे पहले मैं पहनती नहीं थी इनर वगैरह, कुछ भी नहीं पहनती थी, ना सॉक्स पहनती थी ना कैप, कैप तो मैं खैर अभी भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा ठंडा लगने लग चलते हैं। बच्चे सारे बाहर हैं, दक्ष अभी सो रहा है, मैंने लाइट ऑफ कर दी, अंधेरा हो गया बिल्कुल, और धूप बहुत अच्छी निकल गई है आज। तो आज देखेंगे शायद मेरी सिस्टर और मैं शायद मार्केट जाएंगे, शायद से, पक्का नहीं पता, शायद जाएंगे, धूप बहुत अच्छी निकल गई है तो अब तो जाना पड़ता है मार्केट। तो मम्मी लोग सब बाहर बैठे हुए हैं, मम्मी लोग यहाँ पर खा रहे हैं, क्या है, पीनू मम्मी, इंतज़ार कर रहे थे ना कैसे धूप आए तो फटाफट हम कीनू खा जाएं। धूप बहुत अच्छी आ गई है तो कीनू वगैरह मम्मी छिलने लगी है, कीनू खा रहे हैं। नहीं इतनी आवाज़ नहीं आ रही, बस मैं काट रही फ़ोन। तो चलिए फिर मैं भी कीनू खाती हूँ, जब देख ही लिया तो मैं क्यों छोड़ूँ कीनू को
मैं भी खाऊंगी, ठीक है। खाना वगैरह सब कुछ हो गया है हमारा, अभी अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है और अभी बैठे थे। आज धूप बहुत अच्छी है ना, तो धूप पे बैठे हुए हैं। अंदर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो बस मैं अपना फ़ोन लेने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मम्मी के पास चूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, नई नई चूड़ियाँ। तो जब भी मेरी सिस्टर और मैं यहाँ पर आते हैं तो चूड़ी ज़रूर पहन के जाते हैं यहाँ पर, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं मम्मी के ऊपर, मम्मी ने पेटी है मम्मी की, उसमें मम्मी ने रखा हुआ था चूड़ी वगैरह, तो वही लेकर आई हूँ। और उसमें रेड कलर की चूड़ियाँ तो अब है ही नहीं, क्योंकि हम पहले आके ले जा चुके होंगे, और ग्रीन कलर की है, तो मैं ग्रीन कलर की और एक कॉपर से कलर की है, वो कॉपर कलर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बाहर मैंने रख दी है। मेरी सिस्टर बाहर ही है तो वो भी पहनेगी और मैं भी पहन रही हूँ, क्योंकि मेरी चूड़ी ना, मैं ऐसे हाथ करके बैठी थी ना, वो एकदम से टूट गई, तो बाहर चूड़ी रखी हुई है, वहीं हम बाहर चलते हैं धूप में। अंदर बहुत ठंडा है और बड़ी मुश्किल से धूप निकली है, तो अंदर बैठने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और दक्ष भी यहाँ सो रहा था, इसलिए बाहर ही ठीक है, तो बस बाहर जा रहे हैं। क्या ऊपर है आपका फोन? उन्होंने लाइट बंद कर दी। हाँ, लाइट पता नहीं क्यों बार बार जा रही है मम्मी के इधर। हाँ, छत में बेटा, छत में, छत में चश्मा और हमारी दादी की नानी का छत में जाओ, नीचे जा, दरवाजा धीरे बंद करना। तो यहाँ पे सोनी कपड़े फोल्ड भी कर रही है, सबके, अपने भी, मेरे भी और सबके जिसके भी हैं। और मैंने अभी चूड़ी रख दी है, बस तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन सी। और एक मैं कॉपर कलर की भी लेकर आई थी, पेपर आई थी ना। तो ये है चूड़ियाँ, चूड़ी वाले, चूड़ी वाले चूड़ी ले लो। तो इसमें से मेरी सिस्टर और मैं पहन रहे हैं चूड़ी, और हमारा ना पक्का नहीं हो पा रहा है कि हम मार्केट जाएंगे कि नहीं जाएंगे आज, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना पड़ रहा है 4 बजे। वैसे तो मेरी सिस्टर बोल रही चल 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 चल, मम्मी की इधर ना बहुत ज़्यादा वो चलते हैं ट्रैक्टर टाइप के ना, तो आपको आवाज़ भी कम आ रही, मैं तेज बोलती हूँ। तो मेरी सिस्टर बोल रही है चल मार्केट चलते हैं, लेकिन मम्मी बोल रही है कल जाना, और वो बोल रही है कल अगर बारिश होगी तो फिर वैसे हम घर में बैठ जाएंगे। और उसको कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है दक्ष के लिए, क्योंकि अब दक्ष होता है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो उसकी छोटे होती रही छोटी चीज़ें, वो शायद उसको लेनी है। ठीक है, तो अगर मम्मी रुकी तो हम लोग चल जाएंगे, तो फिर कल जाएंगे हम मार्केट। और ये चूड़ी में थोड़ी सी अजीब लग रही है, निकल जाएगी पानी। फिर ये कॉपर कलर की मिलाई थी, बट इसके ये निकल रहे हैं, तो मैं ये नहीं पहन रही, ग्रीन वाली पहनूंगी, ग्रीन अच्छी लग रही है, देख ले सोनू पूरी। मुझे तो ये मोटी वाली ठीक लग रही है, मोटी वाली पहन रही, मतलब ये तो सारे मैं उठा के ले आई हूँ, बट पहननी वही 4-4 या 2-2 चूड़ी है, क्योंकि घर में बहुत पड़ी हुई हैं, यहाँ पे अभी पहननी थी मुझे, इसलिए मैं निकाल के लाई। ऊपर पेटी मम्मी ने रखी थी ना। रेडी हो रहे हैं मार्केट जाने के लिए, और सोनू का बेटा भी उठ गया अभी, और मैं स्वेटर ही पहन रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर देती हूँ, तो बस स्वेटर पहनती हूँ, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। अच्छा लग रहा है मार्केट के, मतलब यहाँ प्रेम नगर में जो मार्केट है उसमें जा रहे हैं, यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है, और मम्मी भी कहीं जा रही हैं सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आज मम्मी चमक रही हैं बारिश बंद हो गई ना, तो खिल गई है मम्मी भी धूप की तरह और हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ पर। सोनू अपने बेटे को अभी भी उठाया, ये दक्षिण तैमूर।
तो वह इसको भी इसकी जैकेट पहनाएगी और सॉक्स वगैरह जो भी पहनाएगी। इसके लिए जा रहे हैं थोड़ा सा, इसके लिए इसको कुछ सामान सामान लेना है और मैं इसको देखूंगी। मुझे कुछ नहीं लेना, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे सॉक्स वगैरह देखूंगी बच्चों के, वो ले लूंगी। तो चलिए फिर रोड में, मतलब ब्लॉग जब कंटिन्यू करती हूँ वहाँ मिलूंगी रास्ते में, ठीक है। ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी सिस्टर भी रेडी हो गई है और हम निकल रहे हैं। और मैंने स्वेटर चेंज कर दिया है, इसका ही पहन लिया है। तो अच्छा लग रहा है इसका स्वेटर मेरे पे, इसका ही स्वेटर पहन के निकल रहे हैं मार्केट। और यहाँ से ट्राईपॉड कर देती हूँ अंदर, क्योंकि आशी और यहीं पर रहेंगे नानी के साथ, तो इनका भरोसा नहीं है। साइड में छुपा देती हूँ मैं, ये वैसे तो छेड़ते नहीं है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए रख देती हूँ। स्वेटर काफ़ी अच्छा लग रहा है सोनू का मेरे पे, तो वो मैंने उतार दिया, वो अजीब सा लग रहा था इसके साथ ना, इसलिए बस आशी और को मैं चिप्स दे दिया, मैंने चुपचाप बैठ जाएंगे टीवी देख लेंगे अपना, इसलिए नहीं मिला। बंद है, कोई नहीं, अभी शाम को खुलेगी ना। अभी शाम को जाना, ठीक है, जब मैं आऊंगी तभी जाना। पैसे मैं रख लूँ, हाँ छुपा, हाँ छुपा के रख, छुपाना ऐसे कि बेटा याद रहे तुम्हें, तुम भूल जाते हो छुपा के, रख दो। हाँ रख दो, और बेटा चुपचाप बिल्कुल शांत होके बैठना, ठीक है। मैं चीजें भी लेकर आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तभी दुकान में जाना, उससे पहले दुकान में जाना। बुढ़ी नानी यहीं पर, नानी के साथ रहना, ठीक है। तो चली जाऊंगी मम्मी, अकेली नहीं जाना, पूछ के। नानी कहाँ है? छत पे होगी, नानी छत में है, ठीक है। बेटा मैं देख रही हूँ, तो बता रही हूँ, मैं ढंग से रहियो, अंदर बैठ जा, ठीक है। बाय दक्षी, मैं देख रही हूँ। तो चलो हम जा रहे हैं, फटाफट से आ जाएंगे, शायद आधा एक घंटा लगेगा जब आने। बाय बाय बेटा, अंदर है ना, कुछ शिकानी मत करना, बताऊंगी। हाँ मैं आऊंगी, देख अगर मुझे कुछ गलत गलत दिखा यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और तुम उसका ध्यान रखियो, और गेट के बाहर मत आना। चलो हम चल रहे हैं, फटाफट से आ रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं प्रेम नगर मार्केट, और अच्छा लगता है बहुत टाइम बाद जब मार्केट निकलो और साथ में सिस्टर हो तो बात ही क्या है। तो हम लोग घूमते घामते बस चल दिए थे, और अभी मम्मी का रास्ते में फ़ोन भी आ गया था कि कुछ लेना है, तो मम्मी शायद, मम्मी ने एक सीटी जो होती है प्रेशर कुकर की वो बोली थी, तो एक मैंने वो ली है, और एक मैंने मम्मी के लिए ढोकला का जो बर्तन था वो लिया है, क्योंकि मम्मी को ढोकला बहुत पसंद है, पापा को भी बहुत पसंद है, बट ये था कि वो बना नहीं पा रहे थे बर्तन की वजह से। तो जो मैंने बनाया था यहाँ पर वो ऐसे स्टील के उसमें बना दिया था बर्तन में, तो बट मैंने अभी केक टिन जो होता है वो ले लिया था, उसमें ढोकला ही बन जाता है, तो वहीं पर आए हैं। और बाद में मुझे याद आया कि मुझे अपने घर के लिए भी एक सीटी लेनी थी, तो ध्यान से उतर गया, कोई नहीं अब दोबारा मार्केट जाएंगे तो मैं ले लूँगी, या मम्मी और मैं कभी जाएंगे तो ले लेंगे। और यहाँ पर उसके बाद पूरा मार्केट से पूरा शॉपिंग कर ली थी सोना ने, मतलब सोनू ने, और उसके बाद हम लोग चले गए थे एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि अगर बाहर आए हैं और कुछ खाए ना ऐसा हो नहीं सकता मेरे साथ और मेरी सिस्टर के साथ। तो अभी हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया हमें, तो वहाँ पे चले गए थे हम लोग। तो यहाँ पर हमने बर्गर और पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, तो पिज़्ज़ा वगैरह मैं सच्ची बताऊँ मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं खाती हूँ, बहुत कम होता है, पता नहीं कुछ महीनों में जब हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, मैं बाहर का इतना मुझे पसंद नहीं है, तो इतना हम खाते नहीं है बाहर का। तो इसके साथ आती हूँ तो मैं फिर मतलब खाती हूँ, ऐसा है अगर हम दोनों साथ में होंगे तो बाहर का फिर चलता रहता है हमारा, खाते रहते हैं बाहर का। तो बस यहाँ पर बर्गर भी खा लिया है और पिज़्ज़ा भी आ गया है, तो पिज़्ज़ा जो था वो डबल चीज़ वाला था, इसमें वेजी वगैरह कुछ नहीं था, तो एक मैंने आशी और के लिए भी ले लिया था, मम्मी लोगों के लिए, मम्मी और भी इतना नहीं खाते हैं, आशी और के लिए लिया था। तो ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया था, और पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी हो रहा था। और इसके बाद मैं आशीर के लिए भी एक पिज़्ज़ा लेगी थी, तो इन लोगों ने पता नहीं खा लिया, वैसे मेरे बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह पसंद नहीं करते हैं, बट जो मैं लेगी थी ये वाला उन्होंने खा लिया था, उनको काफ़ी अच्छा लगा था। तो बस ये मैं आपको पूछ रही थी, आप भी खाइए। तो बस अभी पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें लेट भी हो गया था, सामान लेने में इतना टाइम नहीं लगा जितना ये खाने में टाइम लगा है। और दक्ष भी बहुत इंजॉय कर रहा था, क्योंकि बच्चा घर में रह के भी परेशान हो जाता है, तो बाहर जाके वो भी बहुत खुश हो गया था। सस्ता वाला। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट से, अभी अभी पहुंचे हैं, तो और बच्चों के लिए लेकर आए हैं हम पिज़्ज़ा, रेगुलर पिज़्ज़ा लेकर आए हैं, छोटा वाला मीडियम, क्योंकि मेरे बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते हैं,
लेकिन देखती हूँ कि इसमें वेजिटेबल्स नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ है, तो देखते हैं शायद खा ले, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, लेकिन ये खाते नहीं है, बस मैं लेकर आ गई हूँ ऐसी। और थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, और सोनू लेकर आई है अपने बेटे के लिए शूज़ वगैरह लेकर आई है, हाई नेक लेकर आई है, और सॉक्स लेकर आई है, और दो तीन चीज़ और लेकर आई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी पिज़्ज़ा खोलते हैं हम। तो यहाँ पे नई शॉप खुली हुई थी, वहाँ से लेकर आए हैं, हमने भी खाया वहाँ पर, बहुत टेस्टी लगा था, हमने बर्गर भी खाया वहाँ पर। धीरे बोल रहे हैं बच्चे, सुन रहे हैं वो है, और मम्मी के लिए ना मैं वो लेकर आई हूँ, मम्मी मैं आपके लिए ये लेकर आई ढोकला बनाने के लिए। तो मम्मी के लिए मैं लेकर आई हूँ ढोकला, मम्मी को एक बार ढोकला सिखाऊंगी, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है ढोकला, तो मम्मी अपने आप बना के खाएगी फिर। और थोड़ा सा खाने पीने का सामान है, वो बात की बात है, जब बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो चलो खा लो तुम पिज्ज़ा, खाना पिज्ज़ा, सॉक्स, हाँ सॉक्स, हाँ मैं आशर के लिए सॉक्स भी लेकर आई हूँ, इनके पास सॉक्स बहुत है, बट एक इधर हो जाती है एक उधर हो जाती है, तो इनके लिए सॉक्स लेकर आई हूँ, चार पांच जोड़ी जो सॉक्स लेकर आई हूँ, और पिज़्ज़ा ओपन करके मैं इनको दे देती हूँ, इनका मन कर रहा है, देखते हैं खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और अपने ब्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ, मिलूंगी आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, और अगर मेरे आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, ठीक है, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय।